Otherwise, if you want to connect and want me to make a video, share something with people, give me 20 bands. Just this. 20 bands. ओके हाय गाइस, क्वीन ऑफ वैंस आ गई है. मुझे नहीं पता कि इन मैसेजेस को अभी मैं किस तरह से इंटरप्रेट करूं, लेकिन जो कार्ड मेरे हाथ में आया वो जस्टिस का कार्ड था और जो कार्ड नीचे गिरे उनमें क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, टेन ऑफ वैंस है, पेज ऑफ वैंस है, नाइट ऑफ वैंस है और क्वीन ऑफ वैंस है. और मैं आपको फिर से एक बात बता देना चाहती हूँ. आप मेरी सुशांत की जो भी वीडियोज़ होती हैं उनमें कोई भी ऐड नहीं होती है, तो ये डेफिनेटली मनी के लिए नहीं है. और सिर्फ सुशांत से कनेक्ट करती हूँ क्योंकि वो चाहते हैं और वो अलाउ करते हैं या वो बोलते हैं, और जो भी वो मैसेजेस होते हैं, जो भी आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो मैं शेयर करती हूँ और उतना ही मेरा काम है. और इसीलिए अगर आप मेरी शुरू से अब तक की वीडियोस देखेंगे तो क्वीन ऑफ वैंस हमेशा, जब क्वीन ऑफ वैंस निकल के आती है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसे मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ. और मैं अपनी हर वीडियो से पहले उनसे पूछती हूँ एक बार अगर वो कनेक्ट करना चाहते हैं, और हर बार क्वीन ऑफ वैंस नहीं आती है और इसीलिए वीडियोज़ बहुत गैप गैप में बनती हैं उनकी जो मैं बनाती हूँ. तो क्वीन ऑफ वैंस है और बेसिकली जो मैसेज है कार्ड्स का वो ये है कि दो लोग मुझे लगता है कि एक दूसरे के कनेक्ट में आ चुके हैं, जिनके पास कुछ मैसेजेस हैं, जिनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिनके पास कुछ चीज़ें हैं या जिनके पास नॉलेज है इस केस से रिलेटेड, इस केस की एविडेंसेस से रिलेटेड और स्पेशली जो क्वीन ऑफ वैंस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो है. और हो सकता है कि जो पेज ऑफ वैंस जो पर्सन है जिसको मैं शुरू से बोल रही हूँ, जिसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि पेज ऑफ वैंस जो है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये दो दो के सेट में कार्ड्स मैं रीड कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये पर्सन है ये इन्फॉर्मेशन के साथ किसी जगह से निकला था, भागा था. हो सकता है कि सुशांत ने इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन दी हो और वो इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ से निकला हो और उस बर्डन के साथ ये पर्सन जो है वो, और निकला एज इन मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, ये बर्डन के साथ, मतलब ये इन्फॉर्मेशन के साथ वो डेफिनेटली अपने आप को, अगर आप देखें इस कार्ड में मुँह छुपा हुआ है, वो अपने आप को छुपा के हाइड करके कहीं था और या कहीं थी. और अभी जो टाइम पीरियड है उसमें अगर आप देखें तो ये दो कार्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ मुंह करके एक दूसरे की तरफ फेस करके हैं. तो बेसिकली वो पर्सन जो है, और ये कार्ड किंग नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है, ये कई बार पुलिस सर्विसेज या डिफेंस रिलेटेड सर्विसेज, क्योंकि वॉरियर सूट है ना, डिफेंस रिलेटेड सर्विसेज भी शो करता है. तो डेफिनेटली कोई इन्फॉर्मेशन है जो पहुंच गई है उनके पास और वो इन्फॉर्मेशन क्वीन ऑफ वैंड से रिलेटेड है. और यहाँ पे भी लास्ट कार्ड जो मेरे हाथ में आया था वो जस्टिस का कार्ड था. तो आई एम एक्सपेक्टिंग के बहुत जल्दी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हम तक निकल के सामने आए. और सुशांत हैज़ हिज ओन वेज, वो अपने तरीके से चीज़ें करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला था सीबीआई हेडक्वार्टर से, सीबीआई से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के आएगी. और एक्चुअली सीबीआई के ऑफिस में किसी ने मैसेज किया, आग निकल गई और जब आग लग गई और जब मैंने वो चेक किया सब कुछ, तो सीबीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी कि हाँ आग लग गई और ऐसे ऐसे आग लगी. तो दैट इज़ वियर्ड, मतलब वो सुशांत के साथ डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है उस टाइम में जो सुशांत के केस के साथ रेलेवेंट था और जल्दी ही हमें पता चलेगा उस चीज़ के बारे में. सुशांत आप और क्या बोलना चाहते हैं? टेन नंबर का कार्ड फिर से आया है और ये टेन जो है ये किसी होम या फैमिली के साथ कनेक्टेड लग रहा है. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी पर्सन है जिसके पास इन्फॉर्मेशन है या जो पुलिस के साथ कनेक्ट कर रहा है या डिफेंस के साथ या जो भी जो एजेंसीज हैं उनके साथ कनेक्ट कर रहा है, जो भी पर्सन ये कर रहा है या कर रही है, वो उनके साथ क्लोजली रिलेटेड है और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास पहुँच चुकी है वो इन्फॉर्मेशन उनके पास. सुशांत कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं, कुछ बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं अगर आप अलाउ करेंगे तो. अगर आप कुछ और बोलना चाहते हैं नहीं तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन. ओके, तो ये एट ऑफ वैंस का कार्ड होता है, इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, मैसेजेस. तो मैंने इनको पूछा कि कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अगर आप अलाउ करेंगे तो. और ये मून का कार्ड है जहाँ पे किसी तरह का अलार्म रेज हो रहा है और पानी में से या एक केकड़ा जो है वो पानी में से निकल के आ रहा है, तो कोई इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ या जो क्लैरिटी है वो आ रही है. तो डेफिनेटली क्लैरिटी ज़रूरी है और मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत डायरेक्ट पूछने वाली हूँ आज. मैं किसी की वीडियोज़ या किसी को अच्छा या किसी को बुरा, किसी को सही किसी को गलत नहीं बोलती हूँ. मैं अपना कनेक्ट उनके साथ जानती हूँ और
लोगों का कनेक्ट भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और मैं सिर्फ उनसे सवाल पूछूंगी कि वो जो जवाब देना चाहें वो दें और जो नहीं देना चाहें वो ना दें। तो सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि सुशांत, ये कहा जा रहा है कि सुशांत जो थे वो एजेंट थे, गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो क्या ये सच है सुशांत? सुशांत, क्या आप एक एजेंट हो? मतलब मैं थे भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि थे बोला तो वो पास्ट हो जाएगा और वो हैं। तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन विच मीन्स दैट वो शायद मुझे क्वेश्चन किसी और तरह से पोट्रे करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का वो आंसर नहीं दे रहे हैं। और दूसरा, शायद उन्होंने अब कोई नई डायरेक्शन चूज़ कर ली है या नए तरीके से किसी काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक बार फिर यही क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से पूछती हूँ। सुशांत, जब आपके साथ ये सब टॉर्चर, जब जो 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 भी चीज़ें हुई हैं, ये सब हुई हैं, उस टाइम पे क्या आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर किसी तरह का एज अ एजेंट आप गवर्नमेंट के साथ में एजेंट या उससे भी बेटर पोजीशन या किसी भी पोजीशन पे गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे? कार्ड है सक्सेस का और यस नो का कार्ड नहीं है, लेकिन सक्सेस का कार्ड है। और इसका क्लियर मतलब है कि जिस भी चीज़ पे वो काम कर रहे थे वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हुई है, और उसमें से जो भी उन्होंने करना था वो उन्होंने पूरी तरह किया है। एजेंट थे नहीं थे उसका आंसर वो नहीं दे रहे हैं। मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम ट्राई करती हूँ, अगर वो इसका आंसर, सुशांत आप इसका आंसर देना चाहते हैं कि आप यस का कार्ड आया है। और मैंने क्वेश्चन एक्चुअली ये बोला था कि सुशांत आप इसका आंसर देना चाहते हैं कि आप एजेंट थे या नहीं थे, और आंसर आया है यस। अब एक कॉन्फर्मेशन और लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये किस क्वेश्चन के लिए यस आया है, कि मैं आप आंसर देना चाहते हैं उसके लिए आया है या एजेंट थे उसके लिए आया है, जस्ट फॉर दैट क्लैरिफिकेशन। सुशांत, क्या आप एजेंट गवर्नमेंट के साथ मिलकर किसी चीज़ पर काम कर रहे थे जब आपके जिसके कारण आपके साथ ये सब हुआ? ओके, तो जिस तरह के कार्ड आए हैं डेफिनेटली वो किसी चीज़ पे काम कर रहे थे। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है और टेक एक्शन का कार्ड है, तो वो डेफिनेटली किसी चीज़ पे एक्शन ले रहे थे। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसको लेकर वो एक्शन ले रहे थे, जिस पे वो काम कर रहे थे। तो मैं फिर बोलूँगी कि वो बिल्कुल क्लियरली 100% ये क्लियरली नहीं कह रहे हैं कि वो एजेंट थे, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल श्योरली है कि वो गवर्नमेंट के साथ किसी तरह, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ से देख मनी फ्लो आ रहा है ना, तो वो मनी से रिलेटेड, कोई मनी फ्लो से रिलेटेड, जैसे कहाँ से मनी जो है वो फ्लो करता है, इलीगल मनी या जो हम बोलते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग या वो सब, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको, उनसे रिलेटेड चीज़ों पे वो काम कर रहे थे। हाँ, काम कर रहे थे, गवर्नमेंट के साथ एंगेज थे, पॉसिबली यस वो गवर्नमेंट के साथ एंगेज थे और एक्शन ले रहे थे, वो किसी किन्हीं चीज़ों पे एक्शन ले रहे थे, तो डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड थे। लेकिन वो इस चीज़ का क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं कि वो एजेंट थे या नहीं थे, तो वो एक चीज़ है जिसका जवाब शायद वो नहीं देना चाहते हैं इस टाइम पे। यस, वो नहीं देना चाहते हैं इसका जवाब कि वो एजेंट थे या नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो मनी लॉन्ड्रिंग और मनी से रिलेटेड चीज़ों के साथ काम कर रहे थे और गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व थे, लेकिन डायरेक्टली वो गवर्नमेंट का एजेंट थे वो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो चीज़ शायद से ही नहीं है कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के एजेंट थे। लेकिन और आपको एजेंट होना ज़रूरी नहीं है जब आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली एजेंट नहीं थे लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। एक और चीज़ जो बहुत सारे लोगों का सवाल है और मैं पूछना चाहती हूँ सुशांत से, सुशांत जो भी पर्सन, मतलब मैं डायरेक्टली किसी को कुछ बोलना नहीं चाहती सही या गलत, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि लोग गलत डायरेक्शन में जाएं और मुझे सुशांत या सोल्स जो हैं या गाइड्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कुछ सवाल पूछने के लिए और फिर वो मैं सवाल पूछती हूँ। तो सुशांत, कोई पर्सन जो क्लेम, जिसने क्लेम किया है कि आप एजेंट थे और आप उनके अंडर काम कर रहे थे, उनके साथ मिलके काम कर रहे थे, वो करेक्ट, वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है क्या? कैन, इज दैट इन्फॉर्मेशन करेक्ट सुशांत? कैन यू प्लीज आंसर दैट, इज दैट इन्फॉर्मेशन करेक्ट कि आप? ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे, लेकिन सबसे ऊपर जो कार्ड यहाँ पे गिरा है और मैं इसको ऐसे ही आपके साथ दिखाऊंगी, नो। तो
जो इस तरफ कार्ड गिरे हैं, एक मिनट, मुझे लगता है कि ये मेरे को आपको ऐसे ही बताना चाहिए, नो ओके, उसके बाद नो नीड टू वरी, इट्स अप टू यू, इम्प्रूविंग हेल्थ, सिचुएशन विल इम्प्रूव, अनलाइकली परफेक्ट टाइमिंग, ये तो सारे कार्ड कम्युनिकेशन क्लियरली, कॉम्प्रोमाइज येस एंड नो ओके. सो बेसिकली जिस तरह से सारी सिचुएशन आई है, जिस तरह से सारी चीज़ें आई हैं, उस तरह से ही मुझे लगता है ये कार्ड्स भी आए हैं. तो वो एजेंट जो मैंने बोला कि कोई पर्सन बोल रहा है कि वो उनके अंडर काम कर रहे थे और वो एजेंट थे गवर्नमेंट के, वो करेक्ट नहीं है. अब वहाँ से एक और वरी जो निकल के आती है वो ये है कि वो अभी भी कैप्टिव हैं और वो बुरी सिचुएशन में हैं एंड वो सही नहीं है. वो बोल रहे हैं नो नीड टू वरी, कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, वो कैप्टिव नहीं है इस टाइम पे. बाकी इट इज़ अप टू यू कि आपको किसको बिलीव करना है, किसको बिलीव नहीं करना है, कैसे करना है. और ये वर्ड्स हैं गाइज, मैं इनको इंटरप्रेट भी नहीं कर रही हूँ, ये एग्जैक्टली वर्ड्स हैं, कार्ड जैसे गिरे हैं मैंने उठा के आपके सामने ला दिए हैं. तो आपको, आपके ऊपर है, आपको किसको बिलीव करना है, किसको नहीं करना है. उनकी हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव हो रही है, सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी इम्प्रूव हो रही है, सिचुएशन जो है ऑलरेडी इम्प्रूव हो रही है और आगे और ज़्यादा इम्प्रूव होगी क्योंकि दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड है. हाँ, उनका सामने आना जो है वो अनलाइकली है इस टाइम पे, लेकिन जब टाइमिंग परफेक्ट होगी तो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी. हमें स्टॉप नहीं करना है, हमें अपनी जो भी लड़ाई है, जो भी जस्टिस की वो है, उसको क्लियरली करते जाना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये कार्ड दो कॉम्प्रोमाइज़ का है, लेकिन ये कार्ड जस्टिस का है. जस्टिस होगा, बिल्कुल होगा, और जो सच है वो सामने आएगा. यस, जस्टिस होगा. कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें जस्टिस नहीं होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि जस्टिस होगा. हमें एक्शन लेना है अनडाउटेबली. यू आर रेडी, तो हम रेडी हैं. इफ़ यू बिलीव, अपॉर्चुनिटी इज देयर. सो इफ़ यू बिलीव, यू आर रेडी एंड अपॉर्चुनिटी इज देयर. सो बेसिकली डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, और अपॉर्चुनिटी का कार्ड चला गया नीचे. सो बेसिकली इफ़ यू बिलीव यू आर रेडी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अपॉर्चुनिटी को किस तरह से इंटरप्रेट करूँ, तो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी उन्होंने साइड पे कर दिया. एनी वेज, आई थिंक अब ये कार्ड्स नहीं यूज़ करने हैं. तो ओके सुशांत, एनी अदर मैसेज दैट यू हैव? आपने इंडिकेट किया था कि सीबीआई से इन्फॉर्मेशन आएगी और वो आग लगी, दैट्स डिफरेंट, लेकिन सीबीआई से एक क्लियर कम्युनिक ओके. द डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34, नंबर 7 का कार्ड है ये. और इसमें बेसिकली अगर आप देखो तो एक डोर जो है वो खुल गया है और दूसरी तरफ बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारी अबंडेंस है. और एक कबूतर, कबूतर यूजुअली इंडिकेट करता है इन्फॉर्मेशन या मैसेजेस का आना. तो इन्फॉर्मेशन तो आनी है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का वो है, डोर ऑलरेडी ओपन हो चुका है और हैप्पीनेस का डोर है, हीलिंग का डोर है, तो डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन आनी है. सुशांत, कैन यू इंडिकेट वो इन्फॉर्मेशन? अगेन 7 नंबर का कार्ड है. मुझे ऐसा लगता है कम्युनिटी का कार्ड है, 7 नंबर का कार्ड है, 3 लोग हैं, तो 3 हम ऑलरेडी जानते हैं कि 3 एजेंसीज जो हैं वो क्लियरली इन्वॉल्व हैं इसी में, बहुत ऑन द फेस ऑफ इट सुशांत के केस में इन्वॉल्व हैं. और वो शायद आपस में मिलके, जो मैंने पिछली बार बोला था कि आपस में मिलके वो सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं लगभग. और अगेन ये भी नंबर 7 है, 4+3=7, और ये भी नंबर 7 है. और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जुलाई के मंथ में ये चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी या क्लियर कट कम्युनिकेशन आ जाएगी सीबीआई से. और मुझे लगता है शायद सीबीआई से भी ऊपर कहीं से. सुशांत, कुछ आप बोलना चाहते हैं? कहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी, कैसे इन्फॉर्मेशन आएगी, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन लोगों को सच पता लगने के लिए. अप्रिसिएशन, सेकंड चक्रा, जर्नी एंड द गॉडेस ऑफ द मून. मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये क्योंकि फायर का कार्ड है, और फायर अगर मैं अभी रिलेट करूं तो सीबीआई के ऑफिस में ही लगी थी. और हम डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे उन लोगों को, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन 99% सीबीआई से ही आएगी. हाँ, एक हायर अप जर्नी या एक न्यू जर्नी का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इन्फॉर्मेशन आएगी या जब ये कम्युनिकेशन आएगी, उसके बाद एक न्यू जर्नी जो है वो स्टार्ट हो ओके रादर
वट ही सेइंग इज़, जो वो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि उनकी नई जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई है, और जैसे ही वो अपनी नई जर्नी पे सेट होंगे, जैसे ही वो अपनी नई जर्नी जो है वो स्टार्ट करेंगे, वैसे ही जो अंधेरा है, जो एक परछाई है इस वक्त जिसने सूरज को ढक के रखा है या सच्चाई को ढक के रखा है, वो निकल जाएगी और वहाँ से डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो होगी। और अप्रिसिएशन का कार्ड है, तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये क्वीन लाइक फिगर है इस कार्ड में, और डेफिनेटली कोई है पर्सन ऑलरेडी जो बहुत क्लोज है इस इन्फॉर्मेशन के। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद सारे सवाल पूछ लिए हैं, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस इस टाइम पे यही थे। हाँ सुशांत, ओके सुशांत, अपने अलाइव होने को लेकर आप कुछ। नंबर 7, सी गाइस, अब ये जो कार्ड्स हैं ना, इनसे शायद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उनके साथ धोखा हुआ था, डिसीट का कार्ड है, उनके साथ धोखा हुआ था मनी के कारण, या जो जिन्होंने भी उनको अपना बताया था उनके कारण। और ये अगेन नंबर 7 का कार्ड है, 25 नंबर का कार्ड है, 5+2 7 होते हैं। उनके साथ धोखा हुआ था उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, कुछ एनर्जीज, कुछ ऐसी चीज़ें जिनने उनको बैलेंस रखा, उनको कम्प्लीट रखा, उनको उनकी सोल को या की एनर्जी को, क्योंकि एंजल है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सावधानी से उसने कांच की एक बॉटल में कुछ चीज़ है या कुछ लाइफ है जिसको बैलेंस करके रखा है और जिसकी तरफ वो देख रही है। पीछे पिरामिड्स हैं, वो डेफिनेटली और रेगिस्तान की तरह की वो है, तो वो डेफिनेटली वो एक बैलेंस या एक किसी को सेफ करना जो है वो बताता है। और ये जो कार्ड है ये वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो अगेन वो उस सिचुएशन से बाहर निकले। और ये कार्ड जो है 7+2 9 नंबर का कार्ड है, लेकिन ये डेफिनेटली डेथ का कार्ड नहीं है, और इन कार्ड्स में भी स्टॉर्म या डेथ जो है उसकी पॉसिबिलिटी है। तो मैं फिर से आपको बोलूँगी कि मैं मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मैंने पहले बोला था कि वो डेड नहीं थे, वो डेड हैं या वो डेथ कार्ड देखा है, क्योंकि वो ऐसी ही सिचुएशन में थे जिसमें सोल उनकी बॉडी से बाहर थी, लेकिन अब टाइम है जब सोल उनकी बॉडी में वापस है। टेन ऑफ सोड्स, नाइन ऑफ सोड्स, इस तरह की सिचुएशन में थे वो, इस तरह डेथ लाइक ऑलमोस्ट। ये पहला कार्ड है जब मैंने फर्स्ट रीडिंग की थी, अगर आप देखेंगे 20 जुलाई 2020 को मैंने फर्स्ट रीडिंग की थी उनके लिए, और उसमें सेंटर कार्ड यही था जिसको देखकर मैंने बोला था कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया या उनको धोखा दिया गया है, और वही कार्ड है। तो वो डेफिनेटली ये डेथ नहीं है, ये कम्प्लीटली डेथ लाइक है, और एक नया सनराइज हो चुका है ऑलरेडी, तो डेफिनेटली वो रिकवर कर रहे हैं और वो बेटर हैं। सुशांत, एक और चीज़ आप बता सकते हैं कि आप कैसी सिचुएशन में हैं इस टाइम पे, हेल्थ वाइज? पहले तो आप कैप्टिविटी में हैं या नहीं, तो आप कैसे सिचुएशन में हैं इस टाइम पे, आर यू फ्री और आर यू सुशांत, इस टाइम पे आप कैसे सिचुएशन में हैं? ओके सॉरी गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कार्ड आया है नंबर 21 का, स्ट्रेटजी का कार्ड है ये। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कैप्टिविटी से रिलेटेड लगेगी, लेकिन की और लॉक है, और चाबे में ताले में चाबी घुस चुकी है, ताले में चाबी चली गई है, तो वो जहाँ पे भी लॉक थे, कैप्टिविटी में थे, वहाँ से उनको हटा लिया गया है। और स्ट्रेटजी प्रिपेयर हो रही है कि किस तरह से चीज़ें करनी है आगे। और मैं अगेन एक चीज़ बोलती हूँ, ये एक इंट्यूशन है जो मुझे बहुत स्ट्रांग आ रही है पिछले 2-3 दिन से, दैट अभी तक ये है कि वो शायद एज सुशांत सिंह राजपूत वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन मुझे कुछ दिनों से ये इंट्यूशन हो रही है कि पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है, जहाँ पे चीज़ें इस तरह से मैनेज की जाएं कि वो अपने ही रूप में वापस आ पाएं, तो एक पॉसिबिलिटी वो भी है। और वो डेफिनेटली कैप्टिविटी में तो नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी का कार्ड है, वो डेफिनेटली स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं चीज़ें, और कि जो है वो ऑलरेडी लॉक के अंदर चली गई है। सुशांत, आप इस वक्त हेल्थ वाइज कैसे सिचुएशन में हैं? वाओ, ब्यूटिफुल कार्ड, हीलर ऑफ द एजेस। सो
डेफिनेटली वो हीलिंग में है। हाँ, वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे अगर आप देखें, एक हाथ में इसके फायर है, एक हाथ में इसके आइस है, और वो हीलिंग जो है वो हो रही है उनकी। वो कम्प्लीटली हील्ड नहीं है अभी, लेकिन हीलिंग हो रही है। एंड इस डेक में ना बहुत सारे ऐसे कार्ड्स नहीं है जो आपको हेल्थ के बारे में एग्जैक्टली बताएंगे या हीलिंग के बारे में एग्जैक्टली बताएंगे, लेकिन उनके लिए जो कार्ड आया वो बिल्कुल एक्यूरेट कार्ड आया है, क्योंकि ये मेरी इंट्यूशन भी वही बोलती है कि वो हील हो रहे हैं इस टाइम पे। और हीलर ऑफ द एजेस तो डेफिनेटली अच्छे लोग या अच्छी अच्छी चीज़ें जो उनको हील करने में पूरी तरह हेल्प कर सकती हैं वो उनके पास अवेलेबल हैं। सुशांत, क्या चांसेस हैं हम आपको एस सुशांत सिंह राजपूत देख पाएंगे? दो सेट में कार्ड्स आए हैं और मैं दो ही सेट में इनको पढ़ूंगी। ओके, पहला सेट आया है यिंग एंड यांग एनर्जी। ये बैलेंस की एनर्जी होती है। नंबर 22 का कार्ड है ये, और ये एनर्जी होती है जहाँ पे आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज जो हैं उन दोनों को बैलेंस करते हो। और ये है केयरिंग कनेक्शंस, ये आपके लविंग कनेक्शंस जो होते हैं अपनी फैमिली के साथ या अपने लोगों के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ, उनके जो कनेक्शंस हैं उनकी एनर्जी है। और मैंने क्योंकि बोला क्या चांसेस हैं आपके कि हम आपको एस सुशांत सिंह राजपूत देख पाएंगे, तो फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड जो आया है वो ये कार्ड आया है, और जो बोलता है कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, कुछ चीज़ें हैं जिनको अलाइन करने की कोशिश की जा रही है, अगर वो अलाइन हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, सबसे पहले तो मेजर चांस है जहाँ पे उनके जो एक्चुअल में जो क्लोज वंस हैं, और मैं उनकी फैमिली या लाइक फैमिली में कुछ लोग हैं जो नहीं हैं उनके साथ एक्चुअल में, या जिन्होंने ये सब प्लान किया है, लेकिन उनके जो एक्चुअल क्लोज वन हैं वो कुछ चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। और वो पॉसिबिलिटी क्या है? पहला कार्ड आया है स्टॉर्म वार्निंग का, दूसरा कार्ड आया है मैजिशियन एंड द मिरर का, और तीसरा कार्ड आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। और अगर आप ये कार्ड देखोगे तो इस कार्ड में ये देखो, काली बिल्ली जो क्वीन ऑफ वैंड्स को इंडिकेट करती है यूजुअली, जो क्योंकि ब्लैक कैट क्वीन ऑफ वैंड्स में होती है। दो इसके पास कॉइन है क्योंकि मनी है इसके पास, और मनी जो है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो जिस तरह के ये कार्ड आए हैं, दूसरा जो ये कार्ड बताता है डेफिनेटली मैजिशियन का कार्ड इन्फिनिट एनर्जी का, अपनी एनर्जी चेंज करने का होता है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉम है, ये बहुत बड़ा तूफान है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर ये स्ट्रॉम फुली हो गया, मतलब अगर ये 10 नंबर है, अगर ये कंप्लीशन हो गई, तो देर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी जहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो कम्प्लीटली कैप्चर हो जाए, कम्प्लीटली बाहर आ जाए। और वो कम्प्लीटली बाहर आ गई तो बहुत मेजर पॉसिबिलिटी है जहाँ पे सुशांत भी एज अ मिरर, मतलब एज अ मिरर इन द सेंस दैट एक इमेज में बाहर आएंगे, जिसमें मिरर जो होता है वो आपको क्या बताता है, वो आपको आपकी सच्चाई, आपकी परछाई बताता है। तो मैजिशियन एंड द मिरर है, विच मीन्स वो मैजिक जो है वो क्रिएट हो सकता है जहाँ पे हम सुशांत को एज सुशांत जो है वो देख पाएँ। और मैं मैजिशियन एंड द मिरर में यहाँ से भी एक बार ये कार्ड देखूँगी, 53 नंबर कार्ड है। हाँ, नो, और वो ये कहीं ना नोइंग एंड यूजिंग योर ट्रू पावर, तो वो जिन लोगों के पास वो एबिलिटी होगी, जिन लोगों के पास वो जो साइंस जो हैं वो पहचान पाएंगे, वो तो डेफिनेटली जान पाएंगे कि ये सुशांत ही है। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, क्वीन ऑफ वैंस के साथ ही वो कनेक्ट होके आएंगे किसी ना किसी तरह से। मैंने बोला था उनका रिबर्थ जो है वो क्वीन ऑफ वैंस के साथ होगा, और क्वीन ऑफ वैंस के पास होगा। और रिबर्थ अगर वो नई इमेज लेके, नई नई आइडेंटिटी लेकर भी आते हैं ना, तो वो क्वीन ऑफ वैंस के आसपास ही आएंगे। और इफ़ यू कीप एन आई तो आपको पता लग जाएगा क्वीन ऑफ वैंस कौन है और उनकी आइडेंटिटी क्या है। एक और मुझे थोड़ा सा डाउनलोड आया है जो मुझे पूछना है, अगर अलाउड है मुझे शेयर करना तो मैं आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। सुशांत, कैन आई शेयर द इन्फॉर्मेशन? ओके, बहुत मिक्स्ड कार्ड हैं। एक है ऑल टाइड अप, और दूसरा है 37 नंबर जो नंबर 10 बनता है, और ये सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड है। सोलर प्लेक्सस चक्र फायर पैशन एनर्जी होता है। मुझे एक और क्लैरिटी चाहिए, अगर मुझे यस मिल जाता है क्लियर, तो मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें भी शेयर करूँगी जो शायद अभी तक नहीं बाहर आई हैं, किसी ने बताई नहीं है।
और डोंट स्टॉप का कार्ड आया तो ठीक है, आई विल नो नीड टू वरी, इट्स अप टू यू, इम्प्रूविंग हेल्थ सिचुएशन विल इम्प्रूव, अनलाइकली परफेक्ट टाइमिंग, ओके ठीक है. तो ये डोंट स्टॉप का कार्ड जो है ये सीधा पड़ा था. तो मैं आपको डेफिनेटली बताती हूँ एक और चीज़ जो मुझे डाउनलोड, जो मैं बोलती हूँ डाउनलोड ड्रीम के थ्रू, या एक एक मैसेजेस कुछ आपके कान में आते हैं, कुछ बोले जाते हैं, उस तरह से एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सुशांत के साथ जो भी हुआ है, जो टॉर्चर हुआ है उनके साथ, जो उनको उनको मारा पीटा गया है, जो भी टॉर्चर उनके साथ वो हुआ है, अनडाउटेबली वो हुआ है, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो 13th को उनके साथ हुई हैं, 13th को. और उनके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं उनके छत पे हुआ है, उनके घर पे हुआ है, पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं और हुआ है और उनको उसी दिन 13th को ही रात को उनको कहीं और ले जाया गया है. तो 14th को जो आपने बॉडी देखी है, जो जिस जो पुलिस आई है और जो बॉडी थी उस फ्लैट पे, जब उनका फ्लैटमेट जो था वो प्रेजेंट था और उसने बोला कि मैंने उतारी और वो सब जो भी हुआ है, वो सुशांत नहीं थे, वो उनकी बॉडी नहीं थी. और ये डाउनलोड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, तो क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रहे थे. तो वो सुशांत की बॉडी नहीं थी. अब आप बोलेंगे कि गैप क्यों आया, क्योंकि वो बॉडी बहुत देर के बाद हॉस्पिटल पहुंची. वो इसलिए आया क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैनेज जिस तरह से करना था, उस मैनेज करने में जो इश्यूज हुए या प्रॉब्लम्स हुए, उसके कारण वो जो पर्सन था, जो लुक अलाइक था, जिसको एक्चुअल में सुशांत की बॉडी के साथ रिप्लेस किया, सुशांत के साथ रिप्लेस किया गया था, जो फ्लैट पे उनके जिस पर्सन को छोड़ा गया था, उसका मेकअप या उसका जो लुक अलाइक है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था. और उसी वजह से उसको, उसका मुंह जो है वो ढका हुआ देखा है. तो आप जब देखोगे पिक्चर्स, दोबारा से जाके देखना, जब पिक्चर्स आप देखोगे तो जो पहले पिक्चर्स हैं जिनमें सुशांत का फेस दिखाई दे रहा है, उस टाइम पर कोई और पर्सन नहीं है अराउंड और सिर्फ बॉडी जो है वो बेड पर पड़ी हुई है, क्योंकि उसकी पिक्चर्स उसी वक्त खींची गई थी फेस के साथ. उसके बाद क्योंकि सुशांत की हालत ऐसी थी कि अगर वो उसी वक्त उनको नहीं लेके जाते तो सुशांत को नहीं बचा सकते थे, फिजिकल बॉडी को भी नहीं बचा सकते थे, उनकी सोल तो बहुत डिफरेंट बात है. तो इसीलिए उनको उसी वक्त सुशांत को ले जाना पड़ा. और यहाँ पे आता है नंबर 10, जहाँ पे सुशांत को ले जाया गया, जहाँ पे एक्चुअल में जो भी उनको जो भी ट्रीटमेंट देनी थी, जो भी चीज़ें करनी थी वो की गई. अब जो दो जो दो पॉसिबिलिटीज़ पे सब लोग बात करते हैं कि सुशांत को किसने बचाया, सुशांत को सही लोगों ने बचाया, गलत लोगों ने बचाया, सुशांत को कैप्टिव रखा गया था, उनको गलत लोगों ने बचाया था, उनको सही लोगों ने नहीं बचाया था, और उनको जिसने भी बचाया था उसका पूरा इंटरेस्ट जो है वो सुशांत के प्रोजेक्ट्स में था, AI के प्रोजेक्ट्स में था उनके, जो भी वो बना रहे थे. और सुशांत बहुत इंटेलिजेंट हैं, सुशांत बहुत इंटेलिजेंट हैं, हाईली शार्प इंटेलिजेंट. उन्होंने वो प्रोजेक्ट्स ही इस तरह से बनाए थे कि उनकी बॉडी के बिना, उनकी फंक्शनल बॉडी के बिना वो प्रोजेक्ट्स जो है ना ओपन हो सकते थे, ना फंक्शन कर सकते थे. तो हर चीज़ में उनकी बॉडी की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. और इसीलिए हमेशा वो 4 of Swords का कार्ड जो मुझे हमेशा आता रहा, जो मैं बोलती थी कि सुशांत की बॉडी नहीं है, उनकी बॉडी कहीं रखी गई है, और सब लोग बोलते थे कि ये कैसे रखी गई है, इतने टाइम में बॉडी वो ख़राब हो जाएगी वो, और मैं बोलती थी कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकती हूँ वो, लेकिन अब मैं बता सकती हूँ उसकी, उनकी बॉडी जो है किसी तरह की वेंटिलेटर या किस तरह की मशीन्स या किस तरह की ऐसी चीज़ के सहारे रखी गई थी जहाँ पे उनकी बॉडी अलाइव थी और उनकी बॉडी को यूज़ किया जा रहा था वो प्रोजेक्ट्स जो है उनको कंप्लीट करना या जो भी उनको ओपन करना या उनके सारी जो चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन जो है उनको बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए. और यहाँ से मुझे 2 questions आए हैं जो मैं उनको पूछना चाहती हूँ, बट उनके लिए उनको यूज़ किया जा रहा था. और जो 14th को जो इंसान जिसकी बॉडी जो है वो हॉस्पिटल कूपर हॉस्पिटल ले जाई गई और वो सब की गई, वो बॉडी है जो जलाई गई, वो बॉडी है जिसका क्रिमेशन हुआ है. और वो गैप जो है वो गैप पीरियड था जब उस बॉडी को प्रिपेयर कर रहे थे ताकि वो कम्प्लीटली सुशांत की तरह लगे, वो चेक कर रहे थे या सब कुछ कर रहे थे, और इसीलिए वो गैप पीरियड है. लेकिन जब आपने 14th को जो भी बॉडी देखी है, जिसकी आपने फिंगर हिलती हुई देखी है, जिसकी आपने बॉडी की सिचुएशन देखी है, और वो सब, वो सुशांत नहीं थे, सुशांत को ऑलरेडी कहीं और ले जाया गया था उस टाइम पे. और सुशांत कैप्टिव रहे हैं, बहुत टाइम तक कैप्टिव रहे हैं, अराउंड सितंबर, अराउंड जनवरी के आसपास सुशांत की सोल जो है वो अपनी बॉडी में वापस जाना चाहती थी. और हम जानते हैं कि जितने भी लोग हैं इनके साथ ब्लैक मैजिक डेफिनेटली इन्वॉल्व है और वो करते हैं ये सारी चीज़ें, और उस एनर्जी की वजह से ही सुशांत अपनी बॉडी में वापस नहीं जा रहे थे. और अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे सितंबर और जनवरी के आसपास के वीडियोज़ जब मैंने बोला था उनकी बॉडी बाहर है, वो बहुत बेचैन है, क्योंकि वो जब मेरे साथ जब कनेक्ट हो रहे थे तो वो बहुत बेचैन थे अपनी बॉडी को देखकर, वो जाना चाहते थे अपनी बॉडी में. लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड अप्रैल, मार्च अप्रैल के आसपास वो अपनी बॉडी में वापस जा पाए, लेकिन वो प्रटेंड कर रहे थे कि वो नहीं है.
मतलब वो डेड ही हैं, वो प्रटेंड कर रहे थे, लेकिन उनकी सोल उनकी बॉडी में जा पाई थी, और उसके बाद वो जो है उनको रेस्क्यू किया गया, और वो ऑलरेडी रेस्क्यूड हैं, वो जहाँ पे भी हैं इस टाइम वो सेफ़ हैं। हाँ, उनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो सही नहीं थे, अभी भी कुछ नज़र उनके ऊपर रखी जा रही है, लेकिन इस टाइम पर वो बिल्कुल सेफ़ हैं। मैं अभी आपको नहीं बोल सकती हूँ या बता सकती हूँ कि वो कहाँ पर हैं एग्जैक्टली, लेकिन वो बिल्कुल सेफ़ हैं। और जो दूसरा सेट है, जिन जो लोग गलत हैं, जिन लोगों ने उनको कैप्टिव रखा था, उनमें डेफिनेटली इस टाइम पे खलबली है, क्योंकि अगर सुशांत सेफ़ हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली सेफ़ नहीं है। और वही सक्सेस का कार्ड हमें आया है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सही लोगों तक पहुँच चुकी है, एजेंसीज तक पहुँच चुकी है। अब मुझे दो क्वेश्चन आए थे सुशांत से पूछने के लिए। एक क्वेश्चन आया था कि और मैं फिर से वहाँ पर वापस जा रही हूँ, जो पर्सन बोल रहा है कि वो एजेंट थे और वो उनकी हेड थी। मैं सिर्फ पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन, हम उस इन्फॉर्मेशन में कुछ, क्योंकि मुझे मेरी इंट्यूशन कह रही है उसमें कुछ करेक्ट है, कुछ इनकरेक्ट है, कुछ प्लान्ड है जो आपको एक पाथ की तरफ ले जाने के लिए है, और कुछ जो है वो सच्ची में इन्फॉर्मेशन है। तो सुशांत, हम कितने तक उस इन्फॉर्मेशन पर बिलीव कर सकते हैं, उसमें कुछ सच्चाई है? बहुत बैलेंस में हमें उस इन्फॉर्मेशन को बिलीव करना है। हाँ, कुछ सच्चाई है उसमें, और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि वो मुझे बहुत टाइम से लग रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली कहीं से फ्लो हो रही है, तो कुछ सच्चाई है उसमें। वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह 100% इनकरेक्ट नहीं है जो शेयर की जा रही है, कुछ सच्चाई है लेकिन कुछ सच्चाई नहीं है, और ये दो वर्ल्ड्स के बीच में है। सो बेसिकली अगर आप देखो, अर्थ और वाटर के बीच में है, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ खेलने की भी कोशिश की जा रही है। आपको अपने आप को बैलेंस रख के उस इन्फॉर्मेशन को देखना है। दूसरा, मैं पूछना चाह रही थी कि सुशांत, क्या आपकी फैमिली में से किसी के साथ आपने शेयर किया था कि आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो? डेथ, और ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत मेजर इंडिकेशन थी, और मुझे नहीं पता अभी भी मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि नहीं करूं, लेकिन एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं जरूर ये पूछना चाहती हूं। सुशांत, कैन आई शेयर दिस? डू यू अलाउ मी टू शेयर दिस? ओके, सो बर्थिंग अ न्यू एज का आया है, तो डेफिनेटली आई विल शेयर दैट। उनकी और ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगा कि कौन सा पर्सन था जिसको ये इन्फॉर्मेशन पता थी। उनके मैं फैमिली नहीं, फैमिली को लाइक फैमिली ही बोलूँगी, लेकिन एक पर्सन है और वो क्वीन ऑफ वैंस है, उसको ये इन्फॉर्मेशन पता थी, और वही चीज़ है जिस जो लीड की उनकी डेथ की तरफ, क्योंकि जब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी तो उनको नहीं पता था कि वो जो पर्सन है वो एक्चुअल में इन सारी चीज़ों की हेड है, या इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है, या इन सारी चीज़ों का फ्लो जो है उसी पर्सन के थ्रू चल रहा है। उनको वो चीज़ नहीं पता थी, लेकिन जब उस पर्सन को पता लगा कि सुशांत इन चीज़ों में काम कर रहे हैं, और सुशांत इन चीज़ों की काफ़ी गहराई तक या तह तक पहुँच गए हैं, उसी वक्त प्लान किया गया कि सुशांत को रास्ते से हटा देना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनको सुशांत से इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी, सुशांत के प्रोजेक्ट्स भी चाहिए थे, सुशांत से मनी भी चाहिए था, और उस सारी चीज़ों के कारण, और जैसे मैंने बोला एक इनहेरिटेंस इनहेरिट जेलस भी थी, कंट्रोलिंग भी थी, उन सारी चीज़ों के कारण उनको उनकी उनके उनको बॉडी को उनकी सेफ रखा गया, और उन ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लान की गई, और बहुत जल्दीबाजी में, बहुत हफड़ा तफड़ी में ये चीज़ें प्लान हुई। लेकिन जिस पर्सन को वो इन्फॉर्मेशन थी, जिस पर्सन को वो पता था, वही पर्सन है जो क्वीन ऑफ वैंस है। सुशांत, ओके, सो अब मैंने आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली है, और होपफुली बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेशन मैजिशियन का कार्ड है, फूल का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है, एट ऑफ पेंटिकल है, मून कार्ड है, और कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये सारे अगर मैं नंबर्स देखूं तो दो नंबर 8 है मेरे पास, एक नंबर 18 है मेरे पास। तो आइडियली मुझे अभी मैं फिर से आपको यही बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी सिचुएशन में जिस भी इंसान की इन्वॉल्वमेंट थी, उस इंसान की इन्वॉल्वमेंट, जो जितना भी उसने पैसा यूज़ किया, जो भी किया, लेकिन एक क्लियर कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ रही है। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, ये पर्सन जो है ये डेफिनेटली, क्योंकि इसको कुछ चीज़ें पता है, कुछ रिसोर्सेज पता है, इसीलिए ये पर्सन जो है वो कहीं ऐसी सिचुएशन में, फुल कार्ड होता है एकदम कहीं, मतलब आप नई जर्नी शुरू करते हो या कहीं ज़ीरो पे चले जाते हो, कहीं वो हो जाते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन बैकग्राउंड में जो क्वीन ऑफ वैंड्स है वो ट्राई कर रही है कि सारी चीज़ें बाहर ना
निकले, क्लियर कम्युनिकेशन ना हो, वो अभी भी चीज़ों को मैनिपुलेट करने की पूरी पूरी कोशिश जो है वो कर रही है, और हम थोड़े बहुत जल्दी एक और मैनिपुलेशन देखेंगे जो हमारे सामने आएगी। एग्जैक्टली, ये इमोशनल लेवल की मैनिपुलेशन होगी, और मैं आपको बताऊं, ये डेफिनेटली कोई ऐसी मैनिपुलेशन होगी जहाँ पे आपके इमोशंस जो हैं उनको टैप किया जाएगा, और वो डेफिनेटली कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके इमोशंस को बहुत हाईली इम्पैक्ट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपके थ्रू ही वो खुद को सेव कर ले। और विक्ट्री कार्ड है, डेफिनेटली नहीं होगा ये सुशांत जस्टिस। जस्टिस होगा काइट्स, मैं फिर बोल रही हूँ, हाँ जस्टिस उनके लिए ये है कि उनको जो भी सच है वो पता लग जाए सारी दुनिया को। फोर ऑफ कप्स है, डेफिनेटली चीज़ें जैसी हैं जो एक्चुअल में हो रहा है वो हमें दिख नहीं रहा है। सन कार्ड है, इन्फॉर्मेशन बाहर आने का, लेकिन साथ में 8, 9 और 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो कार्ड्स बोलते हैं कि डेफिनेटली बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी मुश्किल है, लेकिन जो लोग गलत हैं वो डेफिनेटली पकड़े जाएंगे और जेल के अंदर बैठेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो क्लैरिटी है वो डेफिनेटली आएगी। शांत, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से? कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन फाइटिंग, इमोशनल लेवल पे अपने आप को बैलेंस रखिए, अपने आप को, अपने ग्राउंड को स्टैंड कीजिए, और चीज़ों को क्लैरिटी से देखिए। जाने से पहले लास्ट में सरेंडर कार्ड देख लेती हूँ, इफ ही वॉन्ट्स टू गिव एनी कार्ड, एनी मैसेज फ्रॉम हियर। सुशांत, यू वॉन्ट टू गिव एनी मैसेज फ्रॉम हियर? कार्ड ही फंस गए हैं। सरेंडर द ड्रामा, और ये बोल रहे हैं कि जैसी भी सिचुएशन हो, जितनी भी इमोशनली चार्ज सिचुएशन हो, आपके इमोशंस को जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाए, आप अपने आप को बैलेंस रखिए, ड्रामा में मत जाइए, एक दूसरे को सपोर्ट दीजिए, एक दूसरे की केयर कीजिए, सरेंडर टू रिसीविंग लव एंड सपोर्ट, और प्रेशर जो है वो डेफिनेटली आप जाएगा धीरे धीरे, और आप नर्चर कर पाएंगे, इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। बहुत सारा ड्रामा जो है वो होने वाला है, सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रामा जो है वो होने वाला है, और स्ट्रेस और डिफेंसिवनेस दोनों छोड़ दीजिए, क्योंकि चेंज जो है वो डेफिनेटली होने वाला है। सरेंडर योर फेयर ऑफ चेंज। मुझे मैं जनरली इस डेक से एक कार्ड जो है वो यूजुअली एक्सपेक्ट करती हूँ, और जब वो आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आई थिंक टुडे इज़ नॉट द टाइम फॉर दैट कार्ड, बट आई थिंक द मैसेजेस आर क्लियर एंड क्रिस्प, और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है शायद। The messages are clear and crisp. Sushant, anything else that you want to say? Okay. Anything else that you want to say? Any other message that you have? Sushant, any other message that you have? Take a break. Creating heaven on earth. Pillars of right. Wow, beautiful cards. So cards bol rahe hain ki अब टाइम होगा जब हम ब्रेक ले पाएंगे, हम ट्रेडमिल से जो है वो ऑफ हो पाएंगे, एंड इट इज़ टाइम जब हम उस ट्रेडमिल से ऑफ हो के, और वो भी थोड़ी सी ब्रेक पे हैं अनडाउटेबली, क्योंकि वो हील हो रहे हैं इस टाइम पे। दूसरा कार्ड है जो वो काम कर रहे हैं अर्थ पे हेवन बनाने का, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, और वही चीज़ है जो वो कर रहे हैं, और ये कार्ड बोलता है इट्स हैपनिंग, वो हो रहा है। और लास्ट कार्ड जो है वो बोलता है योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ओरेकल। तो डेफिनेटली द वाइब्रेशन जो है हम सब की राइज हो रही हैं, अवेकनिंग जो है वो हम सब के लिए हो रही है, और हम सब ही इस पाथ पे उनके साथ हैं आगे बढ़ने के लिए। एनी लास्ट मैसेज सुशांत? ओके, सो गाइस, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट में रहिए, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो डेफिनेटली आएगी, जो सही लोग हैं वो डेफिनेटली कनेक्ट होंगे। टेन ऑफ वैंस का कार्ड है, हम बहुत क्लोज हैं एक्चुअल ट्रुथ से, और पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जहाँ पे वो कॉइन जो है वो हाथ में है। तो डेफिनेटली स्ट्रेस मत लीजिए, चीज़ें जो हैं वो होंगी। किंग ऑफ वैंस का कार्ड भी है, तो वो शायद कुछ चीज़ें अब और शुरू हों होना, और कुछ चीज़ें जो हैं वो सही से बाहर निकलना शुरू हों। ये यूजुअली एक कई बार एक स्टोरी की तरह कार्ड्स देते हैं, और वो सेम कार्ड्स हैं जो एक तरह से आए हैं। तो 1, 2 और 3 हैं वैंस के, बेसिकली एक नई शुरुआत होना, एक
नई तरह से चीज़ें देखना, और कहीं ना कहीं जो वो मैं एरिया बोलती हूँ जहाँ पे शिप्स जो हैं वो दिखाई देती हैं, तो डेफिनेटली शिप्स आर कमिंग इन। अब जो जो भी क्रिमिनल्स हैं या जो उनको भी हेल्थ इशू था, उनको भी हेल्थ सिचुएशन थी, और जो भी जिस भी हालत में उनको रखा गया था, मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। इस टाइम पे या बीच में कोई एक पर्सन है जो मतलब ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो उनको दोबारा से कैप्चर करने की कोशिश में है कि उनका पता लग जाए वो कहाँ है और वो उनको वापस ले पाएँ या उनको दोबारा कैप्चर कर पाएँ, लेकिन वो होगा नहीं। जस्ट हैव पेशेंस, फिर से 7 और 7 नंबर का कार्ड आया है। जस्ट हैव पेशेंस, 7 एंड 7 जुलाई का ही महीना है और होपफुली हमें रिजल्ट्स दिख जाएंगे इसी महीने में। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, हम सबको ही ऑल द वेरी बेस्ट। एक लास्ट मैसेज जो है वो मैं यहाँ से आपको देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों मैं ये कार्ड्स उठा के लाई थी और पूरे टाइम में मेरी नज़र इन पे जाती रही है, तो एक लास्ट मैसेज जो है मैं यहाँ से आपको दे देती हूँ। ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज़ ओपनिंग। और सेकेंड है सिंप्लीफाइंग द लाइफ, जो जितना भी क्लटर है आपके लाइफ में, आपके दिमाग में, आसपास के लोगों में, या अगर आप देखें तो एक तरह से क्लीनिंग हो रही है, तो वो वही क्लटर क्लीन कर रहे थे, तो वो क्लटर जो है वो क्लीन हो रहा है। हमें इस टाइम पे शायद नहीं दिखाई दे रहा है उस तरह से, लेकिन स्टैंडिंग फर्म अपने ग्राउंड पे, ये जो वो कार्ड है इस तरफ आए थे, स्टैंडिंग फर्म अपने ग्राउंड पे फर्म रहिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। स्टार्टिंग फ्रेश का कार्ड है और सोरिंग विद जॉय का कार्ड है, तो अल्टीमेटली हैप्पीनेस या जॉय होगी और एक फ्रेश स्टार्ट जो है वो लाइफ के लिए होगा, और वो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम है जो क्लीन अप करना है, और वो कर रहे थे वो, और वो कर रहे, बिलीविंग इन मैजिक। सो मैजिक पे बिलीव कीजिए गाइज, और वो जो भी चीज़ें हैं वो होंगी। बाकी लास्ट में यही बोलूँगी कि क्योंकि कार्ड भी है सरेंडर टू सेट लिमिट, तो मैं आपको लास्ट यही बोलूँगी, बहुत सारे लोग हैं जो अब्यूज़ करते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो गालियाँ देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि पैसों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो गाइज बी रेस्ट अश्योर्ड कि सुशांत के नाम पे एक रुपया भी नहीं है और कभी नहीं कमाऊँगी, तो मेरे लिए सिर्फ सुशांत मैटर करते हैं और उनका जस्टिस मैटर करता है, और साथ में बी रेस्ट अश्योर्ड कि सुशांत कनेक्ट होते हैं, मैं तभी वीडियो बनाती हूँ। बाकी आई नो जो लोग बिलीव करते हैं वो करते हैं, और वो बोलते भी हैं कि आपको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत भी चाहते हैं कि लोग समझें और वो उनके कनेक्ट को समझें, वो क्योंकि सुशांत उनके साथ कनेक्ट होते हैं मेरे थ्रू, तो और भी बहुत लोगों के थ्रू होते हैं, तो आपको उनको गालियाँ नहीं देनी है, जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको लीजिए, उस इन्फॉर्मेशन को सुनिए और उस इन्फॉर्मेशन को आगे लेके जाइए और जस्टिस की लड़ाई लड़ते रहिए, बस यही मैं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और हाँ सॉरी, मैं बार बार बंद करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी सुशांत, आप लोगों, आपके फैंस के लिए, या जो लोग आपके साथ अवेकनिंग की लड़ाई में जुड़े हैं, आपके अपनों के लिए, हर एक वो इंसान जो ये वीडियो देख रहा है उसके लिए, मैन होल्डिंग अ कॉइन, सो मैन होल्डिंग अ हार्ट, सो ब्यूटिफुल। सो गाइज, ये सुशांत का मैसेज है आप लोगों के लिए, ही इज़ होल्डिंग हिज हार्ट, इज़ लुकिंग एट यू, वो आप लोगों को देख रहे हैं, उनका हार्ट उनके हैंड में है, क्योंकि वो बहुत डेफिनेटली कनेक्टेड फील करते हैं, डेफिनेटली स्ट्रांगली इमोशनल फील करते हैं, और मैन होल्डिंग अ हार्ट बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। ये मैसेज है उनका आपके लिए, और मैं ये मैसेज ज़रूर आपको पढ़ के भी बताऊँगी, आई एम श्योर यू गाइज विल लव दिस मैसेज। तो 45, ओके, ये कार्ड है जो बोलता है एक इंसान जो अपनी फैमिली, प्यार और इमोशंस के साथ डील कर रहा है, जो एक इंसान जो जिसके लिए इमोशंस जो हैं और उनका पर्पस जो है वो लाइफ का, उसके उसका लाइफ का पर्पस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये कार्ड बताता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स लव, और जबकि पास्ट के एक्सपीरियंसेस काफ़ी कंफ्यूजिंग रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी वो बैलेंस्ड में है, उनकी एक बैलेंस्ड अप्रोच है, वो अपने इमोशंस के साथ बैलेंस्ड हैं, और आप सबके साथ वो कनेक्टेड हैं और पीस में है, ही फील्स द पीस बिकॉज ऑफ ऑल द लव दैट इज़ कमिंग टू हिम। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।
ओके गाइस, एक कार्ड जो है वो नीचे गिर गया था। मुझे पता है बहुत लोगों का मैसेज आएगा बाद में कि एक कार्ड नीचे गिर गया था। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है मुझे नहीं पता किस क्वेश्चन पे गिरा था, लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो चीज़ों को रिन्यू करने का, नए तरीके से शुरू करने का और एक प्लान करने का होता है। तो डेफिनेटली कुछ प्लान हो रहा है जहाँ से रिन्यूअल से नए तरीके से चीज़ें जो हैं सच जो है वो सामने आएगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।